कंगना ने लगाए जय श्री राम के नारे। आजकल चारों तरफ श्री राम की भक्ति का माहौल बना हुआ है, ऐसे में कंगना कैसे पीछे रह जाती। हाल ही में वो स्पॉट हुई और उन्होंने लगाए जय श्री राम के नारे। आप भी एक नजर डालें वीडियो पर। अन्नपूर्णी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों के बीच एक्ट्रेस नयनतारा ने मांगी माफी। इंस्टाग्राम पर एक लंबे चौड़े पोस्ट के साथ लिखा जय श्री राम। आप भी एक नजर डालें कि क्या कहा उन्होंने। प्रभास का राम मंदिर को 50 करोड़ रुपए डोनेट करने की खबर की सच्चाई का हुआ खुलासा। चर्चा थी कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रभास 50 करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की टीम ने इस बात का खंडन किया है। सोर्सेस के मुताबिक ये कोरी अफवाह और फेक न्यूज है। प्रभास को इस समारोह में बुलाया गया है या नहीं, ये जानकारी नहीं मिल सकी है। शाहरुख खान की पठान के लिए आई एक और खुशखबरी। पठान को अब प्रतिष्ठित वल्चर एनुअल स्टंट अवार्ड में नामांकित किया गया है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वल्चर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व्यक्तियों द्वारा किए गए स्टंट कार्यों में उत्कृष्टता को सम्मानित करने और मान्यता देने के लिए 2023 में शुरू किया गया था। रिलीज हो गई है पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड फिल्म मैं अटल हूँ। लोगों का रहा अच्छा रिएक्शन। बीती रात इसके स्पेशल स्क्रीनिंग पर सितारों का लगा मेला। आप भी डालें वीडियो पर एक नजर। सामने आई अजय देवगन और आर माधवन की हॉरर और काला जादू पर आधारित फिल्म शैतान की रिलीज डेट 8 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय की जबरदस्त वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स प्राइम वीडियो पर आज से हो रही है स्ट्रीम। बड़ी कमाल की लग रही है ये सीरीज, ऑडियंस को आ रही है पसंद। अपने रिलेशनशिप पर खुलासा किया तापसी पन्नू ने। उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या एक्टर बनने के बाद डेटिंग करना मुश्किल होता है सवाल के जवाब में कहा है, मुझे नहीं पता, मैं 10 वर्षों से एक ही शख्स के साथ रिलेशन में हूँ। राम मंदिर पर बोले दिग्गज फिल्मकार सुभाष घाई। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, श्री राम मंदिर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की पहचान है। लोगों को इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि श्री राम मंदिर दुनिया भर में लाखों भक्तों की आस्था का प्रतिनिधित्व करता है। भव्य उद्घाटन समारोह ने 140 मिलियन भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। तैमूर को मिला मेडल, खुश हुई माँ करीना कपूर। करण जौहर ने शेयर किया वीडियो, आप ही डालें एक नजर। Hey babe, what did you win a medal? Tim did. And what did he win? Bronze. And bronze is the new gold. Love it.